और इस बीच सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया राइट टू हेल्थ बिल को लेकर। डॉक्टर्स के हड़ताल पर बोले हैं और बता दें आरएसएस से जुड़े कुछ डॉक्टर्स भड़का रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, दो डॉक्टर दिल्ली से आए थे, मुझसे फोन पर बात की, मैंने कहा जाकर आप फाइनेंस सेक्रेटरी से मिल लीजिए, मिले भी, बहानेबाजी भी की, फिर गवर्नर साहब से मिलकर चले गए, वो इनको भड़काकर वापस चले गए। सीएम ने कहा वो भी आरएसएस के लोग हैं। सीएम ने तमाम बातें कही हैं। आरएसएस की एक लॉबी डॉक्टर्स को बर्बाद कर रही है, आरएसएस की एक लॉबी डॉक्टर्स को बर्बाद कर रही है, सीएम ने ये बड़ी बातें कही हैं। अस्पताल ने किसी ने स्वीकार किया है वो फिर किसी ने नहीं किया है वो हम बढ़ा देंगे। मान लो वो तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज करने का पैकेज का मामला है, उससे राइट टू हेल्थ का कोई संबंध नहीं है। वो नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो बिल बन गया, अब तो कोई आई का हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच जाएगा इमरजेंसी के नाम पर, हार्ट वाला पहुँच जाएगा, हम कैसे इलाज करेंगे। तो इस प्रकार गलतफहमी पैदा करें जनता के अंदर, जो नहीं करनी चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, अब तक जो है डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है, अब ऐसे में सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया, आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खुशबू, इसके विरोध में डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और इस पूरे मामले में आरएसएस को लेकर के पहली बार नाम आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात कही, पहले उन्होंने कहा कि मैं आरोप लगा रहा हूं, फिर मुख्यमंत्री ने कहा आरोप नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूं कि आरएसएस से जुड़े कुछ डॉक्टर्स दूसरे चिकित्सकों को भड़का रहे हैं, इस आंदोलन को बरगला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो डॉक्टर्स दिल्ली से आए थे, उनसे फोन पर बातचीत की थी और उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए कह दिया था। फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले भी, अपनी बात रखी भी, लेकिन बहानेबाजी करने का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहानेबाजी की, उसके बाद गवर्नर साहब से मिले और फिर इनको भड़का करके वापस दिल्ली चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भी आरएसएस के लोग ही थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरएसएस की एक लॉबी डॉक्टर्स को बर्बाद कर रही है। जब पहली बैठक हुई मुख्य सचिव के साथ में और फाइनेंस विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा के साथ में, तब उसमें डॉक्टर्स ने अपनी आशंकाएं, अपने सुझाव दिए थे, उनका समाधान भी किया गया और उन सुझावों को भी मान लिया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। लेकिन उस बातचीत के ऊपर भी डॉक्टर्स के दूसरे गुट ने ये कहा कि वो चार पांच लोग बातचीत करने कैसे चले, वो गद्दार हैं, और इस तरीके से डॉक्टर्स को संबोधन किया गया। सीएम ने कहा कि ऐसे में डॉक्टर्स भी क्या करें, वो भले और प्रतिष्ठित लोग हैं, लेकिन जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जबकि ये समय नेतागिरी का नहीं है, इस परेशान हो रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर डॉक्टर्स को अपना अहम छोड़ना चाहिए। जिन लोगों ने गलतफहमी दूर कर दी है, उनकी गलतफहमी पैदा कर दी है, उनकी गलतफहमी भी दूर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सुझाव डॉक्टर्स और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो आए, सरकार से बातचीत करें, अभी नियम बनने हैं, अभी बिल पास हुआ है, बिल कानून का रूप लेगा, लेकिन उसके नियम अलग से बनने हैं, जो भी नियमों में सुझाव होंगे डॉक्टर्स के वो शामिल कर दिए जाएंगे, ऐसी बात मुख्यमंत्री ने कही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण आरएसएस से जुड़े डॉक्टर्स का नाम पहली बार अशोक गहलोत के लिया गया है। शशि, उन दो डॉक्टर्स के नाम क्या पता चल पा रहे हैं जिन दो डॉक्टर्स पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और आरएसएस पर ये आरोप लग रहे हैं? बहरहाल दूसरी तरफ ये भी देखने वाली चीज है कि नाम तो मैं जानना ही चाहूंगी कि क्या है, लेकिन अब जब डॉक्टर, जब सीएम ने इतनी बड़ी बात कही है कि मसले का हल जो है बातचीत से निकलेगा, जो भी कमियां होगी डॉक्टर से बातचीत की जाएगी, तभी कानून का रूप लेगा, तो ऐसे में डॉक्टर्स को भी अब इस बात को समझना पड़ेगा। खुशबू, बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि जब सरकार कह रही है तो उसकी बात के कुछ मायने होते हैं और टेबल पर इसका समाधान संभव होगा। खुशबू जी, शशि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरएसएस की एक लॉबी डॉक्टर्स को बर्बाद करने की तैयारी में लगी हुई है, कोशिश में लगी हुई है। सीएम ने तमाम बातें कही है और कहा है डॉक्टर से मिलके दो डॉक्टर्स आए, उन्होंने भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को ये बर्बाद होना तक की नौबत आ गई, बर्बाद होना बर्बाद कर रहे हैं डॉक्टर्स को, तमाम बातें सीएम ने कही हैं।